So let's start the class. Name of the chapter is electricity. Subject physics. And this class is useful for यह class उपयोगी है schooling students of 9 to 12, especially यह class 10 के लिए ज़्यादा useful है. नीट जी और कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए भी ये क्लास यूजफुल है. अगर नीट का कोई प्रिपेयर कर रहा है तो फाउंडेशन के तौर पर ये क्लास उनको मदद पहुंचाएगा. जी का प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ पर भी फाउंडेशन के तौर पर ये क्लास वैसे विद्यार्थी या अभ्यर्थियों को मदद पहुंचाएगा. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी यदि कोई कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्लास उपयोगी होगा. स्पेशली आज के क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू है क्लास 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो इनकमिंग ईयर जैक या सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड लिखेंगे उनको लेकर के हैं. तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्माइनोलॉजी या शब्दावली पर चर्चा करेंगे, उसके डिफिनेशन पर चर्चा करेंगे. क्लास एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका है तो इसको डिलीट कर देते हैं. नो द क्लास इज गोइंग ऑन एंड टुडे वी शैल गेट आइडिया अबाउट सम स्पेशल टॉपिक्स और टर्माइनोलॉजी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स सी हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. स्क्रीन दिख रहा है वैभव? वैभव हाँ चलिए. तो यस सर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेट सी. द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोराइट रॉड when rubbed with wool is called negative charge. So it is very easy. Due to rubbing of glass rod and silk and ebonite rod and wool give the two different types of charge. अगर आप कांच के छड़ को या ग्लास रॉड को सिल्क से घर्षण करते हैं या रगड़ते हैं तो आपको एक चार्ज मिलता है. इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज. इट मीन्स दैट जब ग्लास रड और सिल्क के बीच में घर्षण होता है या ग्लास रड को सिल्क के द्वारा रगड़ा जाता है तो ग्लास रड में ही जो चार्ज आता है उस चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं. हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन. अदर साइड दूसरी तरफ बोलता है कि जब आप एबोनॉइड के रड को ऊल या ऊन से रगड़ते हैं तो एबोनॉइड के रड में आपको जो चार्ज मिलता है या जो चार्ज प्राप्त होता है उसे हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं. सो इट इज वेरी इजी. हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस वन. What is the positive and what is the negative charge? Then the answer of this one will be very easy. इसका आंसर बहुत ही आसान होगा. When there is friction or rubbing between glass rod and silk, then the charge which is acquired by the glass rod is known as the positive charge. Similarly, when there is rubbing between ebonite rod and wool, then the charge which is acquired by the ebonite rod
इज सेड टू बी और कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो आपका अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आपको ज़रूरत पड़ जाएगा ग्लास रॉड का, आपको ज़रूरत पड़ जाएगा एबोनॉइड रॉड का, आपको ज़रूरत पड़ जाएगा सिल्क का, आपको ज़रूरत पड़ जाएगा ऊल का। अगर पॉजिटिव चार्ज आपको प्राप्त करना है तो वैभव ये बताओ हमको किसका किसका ज़रूरत पड़ेगा और कौन सा प्रोसेस वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। सर ग्लास रॉड को रब करना पड़ेगा सिल्क से, तो चलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसमें किसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा? ये ग्लास रॉड हाँ, में यहाँ किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्लास रॉड में जो है आपका किस तरह का चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ देंगे या रबिंग करेंगे। ठीक है, दूसरी बात बोलता है कि आपको नेगेटिव चार्ज एक्वाइड करना है, प्राप्त करना है, तब आप क्या करेंगे? एबनॉइड रॉड को वूल के साथ रब करेंगे, फिर एबनॉइड रॉड में माइनस चार्ज आ जाएगा। हाँ, जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड एट दिस स्टेप। यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि दिक्कत हुआ क्या? नो सर। चलिए इस टॉपिक को कंप्लीट मान लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को। यस सर। चलिए लेट सी कूलम्ब, व्हाट इज कूलम्ब? दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। वन कूलम्ब इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज with a force of 9 into 10 to the power 9 newton which placed in vacuum at a distance of 1 meter from it. Charge on an electron is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो आपका दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो टर्माइनोलॉजी है, दूसरा जो वर्ड रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, वो है आपका कूलम। तो कूलम के बारे में बोलता है कि ये चार्ज का एसआई यूनिट है। ठीक है, चार्ज का क्या है? एसआई यूनिट है। इट मीन्स दैट चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटीज। चार्ज क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज है और फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता है। तो कूलम जो है चार्ज का क्या है? एसआई यूनिट है। अब यहाँ डिफिनेशन बता रहा है कि वन कूलम है क्या। तो बोलता है कि वन कूलम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज के मात्रा के बराबर होता है वन कूलम। तो कैसा चार्ज? तो विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विथ ए फोर्स 9 into 10 to the power 9 newton. कहता है कि एक जैसा और सेम क्वांटिटी के चार्ज को, मतलब अगर दोनों या तो पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है, और दोनों का एक फोर्स जो होगा 9 into 10 to the power 9 newton से जब ये रिपेल्स करेगा, रिपेल्स का मतलब सेम चार्ज होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्ट होगा, लेकिन सेम चार्ज में क्या होगा? रिपेल होगा। तो बोलता है कि यदि दो चार्ज एक जैसा हो और दोनों के बीच में 9 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा हो, तो उसके लिए हमको जितना चार्ज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, उसी चार्ज को हम लोग वन कूलम बोलेंगे। सो इट इज वेरी इजी, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज विच डू वी नीड टू रिपेल बाय ए फोर्स 9 into 10 to the power 9 न्यूटन व्हेन चार्ज आर सिमिलर।
ठीक है, यदि चार्ज सिमिलर हो और उसको 9 × 10⁻⁹ के फोर्स से रिपेल किया जा रहा है, तो वहां पर हमको जितने चार्ज का जरूरत पड़ेगा वही चार्ज को हम लोग क्या बोलेगा, 1 कूलम। हाफ दैट देर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ द 1 कूलम। इफ एनीबडी आस्क यू, यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई कूलम का परिभाषा क्या है, तो आप आसानी से इसको रिप्लाई कर सकते हैं, दो इक्वल और सिमिलर चार्ज जिसके बीच 9 × 10⁻⁹ का रिपेल फोर्स यदि लगता है, तो उसके लिए हमको जितना चार्ज का जरूरत पड़ता है उस चार्ज को ही हम लोग क्या बोलता है, 1 कूलम बोलता है। और यहाँ बोलता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो −1.6 × 10⁻¹⁹ होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या भाई? वो बोलो कूलम क्या है? सर थोड़ा सा नहीं सर सर हाँ कूलम क्या है, तो सबसे पहले तो कूलम एसआई यूनिट है किसका, ये कॉलम इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का चार्ज का। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो चार्ज गया, तो आप यहाँ पर एक फिगर देखें। सपोज कर लीजिए कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, और ये भी कोई चार्ज है, ठीक है, ये दोनों रिपेल हो रहा है, मतलब यदि ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल होगा, तो ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसके बीच में जो फोर्स नो होगा, ये इसके बीच में जो फोर्स होगा, ये सर दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, ये फोर्स इक्वल टू होगा 9 × 10⁻¹⁹ नाइन नाइन फाइव इंटू टेन न्यूटन टू द पावर 9 न्यूटन होगा। और इसके लिए यहाँ पर चार्ज का जो क्वांटिटी होगा ये दोनों में, उस चार्ज को ही हम लोग बोलेगा 1 कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके उस चार्ज को हम लोग क्या नो बोलेगा, सर 1 कूलम। तो 1 कूलम, वन हाँ 1 कूलम का ये डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, 1 कूलम क्या है, 1 कूलम इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब उस चार्ज के अमाउंट को बताता है, विच रिपेल्स, जो रिपेल करता है इक्वल एंड सिमिलर चार्ज को। ये दोनों चार्ज क्या है, इक्वल और सिमिलर है, क्या सिमिलर कर है रहा है, रिपेल कर रहा है, कितने फोर्स नाइन से, तो 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन। पॉइंट तो 1 कूलम क्या है, व्हाट इज द 1 कूलम, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। वन कूलम क्या है ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, कैसा चार्ज है, जब दो सिमिलर और इक्वल चार्ज के बीच में 9 × 10⁻¹⁹ का रिपेल फोर्स वर्क करता है, ठीक है, रिपेल और अट्रैक्ट दो फोर्स होता है, तो यहाँ पर कैसा वर्क, कैसा फोर्स वर्क करेगा, रिपेल। नो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? इक्वल और सिमिलर चार्ज के बीच में जब 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन का रिपेल फोर्स वर्क करे, ठीक है, तो उसके लिए हमको जो चार्ज का अमाउंट जो जरूरत पड़ेगा उसी चार्ज को हम लोग 1 कूलम बोलेगा। ठीक है, की दिक्कत है? नो सर चलिए, देर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड कूलम, इट मीन्स दैट कूलम इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ टू और थ्री पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट विल बी दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सेकेंड पॉइंट इट इज 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन रिपेल फोर्स, थर्ड पॉइंट इक्वल एंड सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, फोर्थ पॉइंट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। न्यूमेरिकली चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। 19 ठीक है, ये आता भी है, इसको आप नोट भी कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, वहाँ बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा, पांच रहेगा, तो जिस ऑप्शन में आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसके थर्ड पॉइंट पर हम लोग कंसिडर करते हैं, स्टैटिक
एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। देख लेते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, व्हाइल द करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। मतलब यहाँ कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के दो कंडीशन पर हम लोग स्टडी करते हैं। पहला कंडीशन, जब चार्ज किसमें हो, रेस्ट में हो, चार्ज किसमें हो, रेस्ट, हाँ तो हम लोग उसको रेस्ट बोलेगा में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब चार्ज किस यस सर, पोजीशन में हो, रेस्ट में हो, और उस समय जब हम कंसिडर करेंगे तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो, किसमें हो, मोशन में तो वैसे को तब करंट हम इलेक्ट्रिक। लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी किसके साथ डील्स करता है, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब डील्स करता है, जब चार्ज रेस्ट में हो। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो। ठीक है, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच कंडीशन वी गेट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन द चार्ज एट रेस्ट, व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। तो कौन सा करेक्ट होगा, सर एक और बार रिपीट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इन विच कंडीशन वी गेट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, किस कंडीशन में हम लोग को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। पहला बोलता है कि जब चार्ज रेस्ट में इलेक्ट्रिक, हो, और जब दूसरा बोलता है चार्ज मोशन में हो, तो कौन सा करेक्ट होगा। सर रेस्ट में रहेगा वो वाला। हाँ ठीक है, स्टैटिक का ही मतलब होता है रेस्ट, और करंट का ही मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं व्हेन द चार्ज इज इन मोशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स दैट वी स्टडी अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब ये रेस्ट में है। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिक्कत हुआ क्या? नो सर, चलिए, अब यहाँ पर आ जाता है फोर्थ पॉइंट जो है, विच इज कंडक्टर। सो द डिफिनेशन ऑफ द कंडक्टर इज इन दिस वे, ए सब्सटेंस विच अलाउज पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू इट इजली इज कॉल्ड ए कंडक्टर। ए कंडक्टर ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, अल्मुनियम एटसेट्रा। अब यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ बोल रहा है कंडक्टर, व्हाट डू नो यू मीन बाय कंडक्टर, सर, तो बोलता है कि कंडक्टर एक सब्सटेंस है जो अलाउ नो करता है किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए अपनी ओर, अप, सर, है ना, अपने से होकर के फॉलो करने के लिए। कहता है कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी लॉ होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लॉ होता है। अब अरे यहाँ कुछ एग्जांपल है, कॉपर आपका कंडक्टर है, सिल्वर भी आपका कंडक्टर है, अल्मुनियम भी आपका कंडक्टर है। सर, कॉपर गोल्ड एक, ये सब कुछ। हाँ ये सब सारा चीज एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो यहाँ तीन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कॉपर, सिल्वर, अल्मुनियम। तो ये ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मेटल है जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करेगा, फॉलो करवा देगा, पास करवा देगा, है ना। और इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होना चाहिए, एक सब्सटेंस जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करे, पास करवा दे। दूसरी बात, इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वेरी हाई, बहुत लो, हाँ वेरी लो। ठीक है, नो वेरी, सर, ये होना चाहिए वेरी लो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इंसुलेटर पर।
ये भी बोलता है ए सब्सटेंस दैट हैज इनफाइनेटली हाई रेजिस्टेंस। देखिए कंडक्टर का कैसा रेजिस्टेंस था, वेरी लो। वेरी लो। अब देखिए यहाँ बोलता है इनफाइनेटली हाई रेजिस्टेंस और बोलता है डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका कंडक्टर क्या कर रहा था, अलाउ कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, डज नॉट अलाउ, मतलब इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट जो है फॉलो नहीं करेगा। इट इज कॉल्ड एन लो इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एबोनॉइड एटसेट्रा। तो रबर क्या है, इंसुलेटर है। कार्बन है। अच्छा हाँ, रबर क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, वेरी लो कि वेरी हाई, वेरी हाई। वेरी हाई। ग्लास यदि मान लीजिए आपका इंसुलेटर है तो इससे होकर के करंट फॉलो करेगा क्या, नो सर। चलिए इंसुलेटर से होकर के करंट फॉलो नहीं करता, इसका रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस होगा। इसका बहुत हाई होगा ठीक, इंसुलेटर सिमिलरली का। प्लास्टिक और एबोनॉइड, ये सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर है। और इंसुलेटर दो चीज को तो जरूर मेंटेन करता है, पहला अपने से होकर के करंट को फॉलो नहीं करने देगा, और दूसरा आपका हो जाता है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जिस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस हाई होगा उससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यस और सर। सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस वेरी लो होगा उससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से क्या करेगा, फॉलो कर जाएगा। फ्लो हो ठीक, जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट और इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट इज जनरली डिनोटेड बाय आई, देयरफॉर आई हैव रिटन हियर आई, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरली डिनोटेड बाय क्यू, देयरफॉर आई हैव रिटन हियर कैपिटल क्यू, बाय टाइम इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल टी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, क्यू बाय टी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्कॉलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या क्या बोला, ये कहाँ से होकर के फॉलो करेगा, किससे होकर के फॉलो सेमीकंडक्टर ना, करेगा, सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर से होकर के फॉलो करेगा। तो कंडक्टर कंडक्टर का कौन सा पोजीशन में, तो क्रॉस सेक्शन में, किससे होकर के, क्रॉस सेक्शन में। ठीक क्रॉस सेक्शन है, उसके बाद बोला कि इसको यदि हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। आई आपका डिनोट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, क्यू डिनोट करेगा आपका चार्ज को, और टी डिनोट करेगा टाइम को। तो हम लोग क्यू बाई टी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज सेट टू बी द इलेक्ट्रिक करंट। सर ठीक फॉर है, यूनिट क्या बोल रहा है, प्लीज कौन सा, एक और बार रिपीट कर दीजिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये आपका जो ऐसे समझिए, ये आपका क्यू है जो आपको डिनोट कर रहा है चार्ज को, ये बाय जिसको हम लोग पर रीड करते हैं, और ये स्मॉल टी डिनोट कर रहा है आपका टाइम को, इक्वल टू आपका आई डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर हो जाएगा, इसको बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये बोलेंगे पर यूनिट, और यहाँ टाइम हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज सेट टू बी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
अब यहाँ पर चार्ज का यूनिट क्या होता है? यस कूलम होता है। अभी हम लोग तुरंत स्टडी किए, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, कूलम पर सेकंड ही यूनिट हो जाएगा करंट का। लेकिन इसको हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। इट मीन्स दैट कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू द एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट के डिस्कवरी में या इन्वेंशन में एम्पियर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फॉर द रिगार्ड ऑफ हिज नेम, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को हम लोग एम्पियर भी बोलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत? सर, चलिए, देर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज। इस स्टेज में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई। सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर, चलिए, अब आगे का जो यूनिट, आगे का जो टर्माइनोलॉजी हम लोग लेके चल रहे हैं वो है, देखिए आपका एम्पियर ही लिखा है। देखिए यहाँ पर 7 में बोलता है इट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। ये करंट का कैसा यूनिट है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट। एसआई यूनिट करंट का क्या है? तो एम्पेयर है। तो एम्पेयर जो है उसका देखिए यहाँ डिफिनेशन दिया है कि 1 एम्पियर जो है क्या होता है। तो बोलता है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना कूलम चार्ज? 1 कूलम वन को लगता फॉलोज थ्रो एन एनी सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। बोलता है कि 1 कूलम चार्ज, ठीक है, किससे हो करके? कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से हो करके 1 सेकेंड तक में जितना फॉलो कर जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पायर वन बोलेंगे, एम 1 एम्पायर। पर तो देखिए यहाँ लिखा है 1 एम्पायर ओके इक्वल टू, 1 एम्पायर इक्वल टू 1 कूलम वन कॉलम बाय वन वन सेकेंड। सेकेंड ये 1 हो गया एम्पायर के लिए, ए कूलम के लिए सी, और सेकेंड के लिए एस। तो ये जब एक ही साथ लिख दिए तो क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसका एक दो और दे दिया है, 1 मिली एम्पायर इक्वल टू 10^-3। ये किसको डिनोट कर रहा है? मिली एम्पर को एम्पेयर, नहीं, एम्पायर को। ठीक है, किसको? एम्पायर को। 1 माइक्रो एम्पायर इक्वल टू, देखिए 1 माइक्रो एम्पायर के लिए 1 ग्रीक लेटर μ और ए मीन्स एम्पायर। अगर इसको नामेरिकली लिख देते हैं तो 10^-6 एम्पायर है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट को आप पढ़िए, क्या कहता है इलेक्ट्रिक सर्किट? द क्लोज पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करेंट सर्किट। ठीक है, सर्किट का मतलब एक रास्ता है। क्या है? इट इज ए पाथ। कैसा पाथ है? तो क्लोज पाथ है। कैसा पाथ है? क्लोज पाथ और इससे होकर के क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है। ठीक है, मतलब वैसा क्लोज पाथ जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करे उसी को हम लोग बोल देंगे सर्किट। ठीक है, इफ एनीबडी आस्क अस व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट, इट मीन्स दैट करंट व्हेन फॉलो थ्रू ए क्लोज पाथ इज सेड टू बी सर्किट। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर, देर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सर्किट। सर्किट क्या है? एक प्रकार का रास्ता है। कैसा रास्ता है? तो बंद रास्ता है, क्लोज और जिससे होकर के क्या होता है? करंट फॉलो करता है। सर्किट क्या है? इट इज ए पाथ है। कैसा पाथ है? इट इज ए क्लोज पाथ। इससे होकर के क्या होता है? थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट
करंट फॉलो फ्लो होता। करता है। ठीक है, अब आप पढ़िए कन्वेंशनल करंट, पढ़िए क्या कहता है। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑफ करंट। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर समझिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ बोलता है कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, माने पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज का जिधर डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, करंट का होगा। लेकिन फिर दूसरा यहाँ बोलता है द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो करंट होगा वो अपोजिट किसका होगा, नेगेटिवली चार्जेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के चार्ज का क्या होगा, अपोजिट अपोजिट होगा, होगा, और पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, अलोंग में होगा, सिमिलर लॉन्ग। हाँ है ना। पॉजिटिव चार्ज जिधर है उधर ही डायरेक्शन फ्लो होगा होगा किसका, करंट का। अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सपोज कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव और चार्ज। इसका डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट सर उधरी साइड। का डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है, तो एक ही तरफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बोलता है यदि नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, और इसका डायरेक्शन यदि इधर है तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अपोजिट इसका। इधर हो जाएगा, ऑपोजिट मतलब इधर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। तो नो सर। करंट किसका, कौन सा डायरेक्शन में फॉलो करता है, पॉजिटिव चार्ज। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिधर जिस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमको करंट क्या करता है, फॉलो करता है। अपोजिट ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, ये अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। चलिए, नो सर। देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल करंट। अब यहाँ देखिए लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा रीड कीजिए, क्या बोलता है, इट दिख इज द रहा है। रीजन अराउंड अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कहता है इट इज द रीजन, ये एक क्षेत्र है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, तो अराउंड ए चार्जेज बॉडी। ठीक है, चार्जेज बॉडी के अराउंड में, बॉडी यदि मान लीजिए कि ये कोई चार्जेज बॉडी है, ठीक है, तो इसके अराउंड में जो भी होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, द रीजन सर। माने द रीजन अराउंड चार्जेज बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बोलिए, रीजन सर चार्जेस का जो रीजन रहता है ना है। उसी को ठीक बोला है, जाता है रीजन अराउंड कैसा, रीजन अराउंड द चार्ज, है ना। चार्ज। किसी भी चार्जेस बॉडी के अराउंड में जो रीजन मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या कहता है, पढ़िए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन ब्रिंगिंग ए इनफाइनाइट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कैसे इनफाइनिटी टू दैट पॉइंट। अब इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूनिट के बारे में बोल रहा है, इट्स यूनिट इज वोल्ट, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल रीजन। इसको भी जानना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करेगा,
बोलता है हायर टू लोअर टू लोअर पोटेंशियल रीजन, पोटेंशियल रीजन। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्जेस मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। यहाँ देखिए हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर कौन मूव करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। चार्ज। और लोअर टू हायर पोटेंशियल की ओर कौन मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ वर्क, एक वर्क है। इसमें क्या होता है अच्छा कि एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है। कैसा अमाउंट ऑफ वर्क डन है? तो बोलता है कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो अमाउंट होगा, वर्क का जो अमाउंट होगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर दिया नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आज हम लोग इतना ही टॉपिक पर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे। इसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं इतना पढ़ने के बाद। तो लेट्स सी, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? A piece of wire of resistance R is cut into five equal parts. These parts are thin, then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio R by R dash is. This is the objective question. ये कैसा question है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है और फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्वेश्चन ये है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू फाइव इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of this combination is R naught or R dash, then the ratio of R to R dash is. यहाँ किसका रेशियो पूछ रहा है? R to R dash का। यहाँ देखिए इसके आंसर को, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ ए पीस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इफ द पीस ऑफ वायर हैज ए रेजिस्टेंस R and the wire is cut into five equal parts, then the resistance of each part हो जाएगा R by 5। कितने equal parts में ये कटा हुआ है? Five। Five। तो each part क्या हो जाएगा? One by five। क्या है? Yes sir। Resistance है, तो R into one by five equal to R by five हो जाएगा। और ये किस तरह से रखा हुआ है? Parallel रखा हुआ है। तो पैरेलल वाले कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, जो यहाँ पर बोला है आर डैश है कॉम्बिनेशन का, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाय आर डैश इक्वल टू हो जाएगा वन बाय आर बाय फाइव प्लस वन बाय, ये पांच बार हो जाएगा, फाइव टाइम। जब इसको करेंगे तो फाइव आपका नोमिनेटर हो जाएगा, आर डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो फाइव बाय आर, फाइव बाय आर कितने बार? पांच बार। ये इसको पूरे को पांच एड बार करेंगे तो 25 बाय आर हो जाएगा। आर डैश, आप आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखिए, आर बाय 25। अब दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप,
देयरफॉर ये देखिए पूछा था आर डैश बाय आर। अब ये जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू क्या यस हो सर, गया 25। अब ट्वेंटी यहाँ ऑप्शन फाइव में देखते हैं 25 कहाँ पर है, तो डी में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, चलिए आज का कक्षा यहीं पर रखते हैं और फिर बाद में या इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन और रेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन थैंक्स टू यू टू ज्वाइन विथ थैंक मी यू सर, एंड होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल टू यू। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को अवर कर लेते हैं।